मैंने एक केस में रिस्पोंडेंट की तरफ से वकालतनामा दिया। केस में एक बच्चा रिकवर होना था। हमने पेश होकर मौजूदा अदालत में ये बयान दिया कि बिल्कुल बच्चा रिकवर होना चाहिए, एज़ पर लॉ रिकवर होना चाहिए। मैं उसके दादा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमें उस लड़के का पता नहीं है, उसके वियर अबाउट्स का पता नहीं है। पुलिस को एफर्ट करनी चाहिए, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए और बच्चा रिकवर करके माँ के हवाले करना चाहिए। पुलिस ने बजाय उस बच्चा रिकवर करने के, पहले तो उस बेचारे साहिल जो कि उसका दादा था, जिस लड़के के पास बच्चा था, उसका घर तोड़ा, उसके जानवर ले गया। इस पर भी वो नहीं रुका, उसने मेरे घर यानी कि उस बंदे के वकील के घर रेड करके मेरे वालिद को जो है वहाँ से उठा के ले गया। और हमें ये बात उसने कही कि आप उस अपने साहिल को जो है वो ले आओ थाने और अपने बाप को यहाँ से ले जाओ। मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो वहाँ पे थाने गए, उसमें जाज गफारी साहब, कल्ब हसनैन साहब और दूसरे दोस्त भी थे। उन्होंने जाके शाह फैसल जो SHO है उससे रिक्वेस्ट की कि देखें ये गैर कानूनी अमल है, आप लाइव प्रोटेक्शन एक्ट 2023 भी नाफिज हो चुका है, आप किस तरह एक वकील से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसको हरास या कोर्स कर सकते हैं, ये एक ऑफेंस है। 4-5 घंटे सारी रात वहाँ पर बिठा के जलील करने के बाद शहनशाह आलम को ख्याल आया कि चलें जी आप जाएं, हम देख लेंगे इसको और सुबह फिर आप पे कोई पर्चा दे देंगे। उसके बाद मैंने ये मैटर जो है उसको लीगली प्रॉब करने के लिए अपनी बार एसोसिएशंस के पास मैं लेके गया। मैं अपने फिरोजवाला बार के प्रेसिडेंट जो हैं उनके पास, बाबर जमान गुजर साहब के पास, सफियान संधु साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं उनके पास, मुनीर हुसैन भट्टी साहब प्रेसिडेंट लाहौर बार उनके पास, वाइस प्रेसिडेंट राना इमरान सरवर साहब, वाइस प्रेसिडेंट कैंट जनाब चौरी वारिस गुजर साहब, और उसके बाद मैंने लाहौर हाई कोर्ट की जो हमारी कबीना है मैंने उनसे बात की, असद मंजूर भट्ट साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जनाब कादिर बख्श चाहल साहब, उसके अलावा मेरे बाकी सारे जो रुफका और दोस्त और मेहरबान हैं, मैंने उन सब से गुजारिश की कि देखें ये ज़्यादती मेरे साथ बतौर वकील हुई है, मेरे साथ इसमें हमारा साथ दें। हम ये नहीं चाहते कि इदारों की कोई कन्फंट्रेशन हो, हम ये नहीं चाहते। फिर लोग कहते हैं कि जी वकला ऐसा एक्ट करते हैं, अब बताएं अगर हमारी इस तरीके से दादरसी ना हो तो हम क्या करें। हम सब दोस्तों ने अप्रोच किया IG ऑफिस को, DPO ऑफिस को, और विद द इंटरवेंशन ऑफ माई बार काउंसल्स, रिस्पेक्टेड बार काउंसल्स, उसके ऊपर उन्होंने ये एक्शन लिया कि उन पर एक FIR दे दी 155C की दफ़ा लगा के, जिसको कि हम बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। लायर्स प्रोटेक्शन एक्ट की दफ़ा जब तक उसमें शामिल नहीं होंगी हम चैन से नहीं बैठेंगे, और अपने सारे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों की मौजूदगी में हम इस बात का इरादा करते हैं कि हम इस बात को, ये एक इंडिविजुअल की अना का मसला नहीं है, ये लायर्स की इज्जत का मसला है। हम आज से इसको लायर्स प्रोटेक्शन मूवमेंट में बदल रहे हैं, और अब ये तहरीक चलेगी। जब तक वकला प्रोटेक्टेड नहीं होंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम आराम नहीं करेंगे और हम पूरा एहतसाब करेंगे इस चीज़